तो क्या होगा अगर आपको सर्वाइव करना पड़े 100 days एज स्किबिडी टॉयलेट। सोचो कि आप एक नॉर्मल इंसान हो और एक दिन एकदम से आप बदल जाते हो स्किबिडी टॉयलेट में। तो इस वर्ल्ड में मैं बाकी हूँ आखिरी वाला स्किबिडी टॉयलेट और मेरे पीछे पड़े हैं यहाँ पे कैमरा मैन और स्पीकर मैन जो कि बस कुछ भी करके मुझे मारना चाहते हैं। और इनके साथ मिले और भी बहुत सारे बॉसेस जैसे कि वार्डन, स्केलेटन किंग। तो क्या मैं सर्वाइव कर पाऊंगा 100 days एज स्किबिडी टॉयलेट, जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक के देखते रहना। और अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करो। इस वीडियो को लाइक करके हम लोग रखते हैं 10,000 लाइक्स और नीचे जो तुम्हें सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है जल्दी से उसे भी प्रेस कर दो और हम लोग 5 लाख सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा क्लोज है। तो मैं स्पॉन होता हूँ एज अ स्किबिडी टॉयलेट और मैं स्पॉन हुआ था एक अजीब से वाले वर्ल्ड में जहाँ पे मुझे और कोई भी स्किबिडी नहीं दिख रहा था और मैं यहाँ पे एकदम छोटा सा स्किबिडी था अभी। और जैसे मैं देखता हूँ तो मेरे यहाँ पे हेल्थ बहुत ज्यादा होती है और लेकिन अभी वो सिर्फ आधी भरी होती है। तो मुझे यहाँ पे दिखता है एक पेड़, तो मैं जल्दी से जाता हूँ और उसको तोड़ता हूँ और उसमें से मैं जल्दी से यहाँ पे बनाना स्टार्ट करता हूँ कुछ वुडन के टूल्स, जैसे कि मैं यहाँ पे बनाता हूँ वुडन की पिकेक्स और एक वुडन की एक्स और जल्दी से मैं यहाँ पे तोड़ लेता हूँ क्राफ्टिंग टेबल। और जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ मुझे यहाँ पे दिखता है एक अजीब वाला कैमरामैन और वो बहुत ज्यादा दूर था, तो मैं जल्दी से कूद जाता हूँ पानी में और पानी में मेरी स्पीड बहुत ज्यादा कम हो जाती है। लेकिन जैसे मैं देखता हूँ बाहर यहाँ पे मौसम खराब हो जाता है और जो कैमरामैन होता है यहाँ पे बहुत सारे स्किबिडी टॉयलेट्स को मारना चालू करता है। और जैसे मैं निकलता हूँ मेरे सामने भी कुछ स्किबिडी आते हैं जो कि मुझसे हेल्प मांग रहे थे, लेकिन वहाँ पे कैमरामैन उनको बिना रुके मारे जा रहा था। और तभी यहाँ पे मुझे मिलता है एक स्किबिडी, तो मैं उससे बात करता हूँ, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ वरना ये कैमरामैन पूरे स्किबिडी को खत्म कर देंगे और वैसे भी इस दुनिया में बहुत कम स्किबिडी टॉयलेट बचे। और उससे पहले कि मैं उससे कुछ और पूछ पाता यहाँ पे आ जाता है कैमरामैन और बिना रुके मारना चालू करता है। तो पहले तो मैं उससे दूर भागता हूँ और वहाँ पे बहुत सारे स्किबिडी को मारा था और एकदम छोटे से बच्चे को भी मार दिया उसने, तो मैं जल्दी से वहाँ से भागता हूँ और तभी मेरे पीछे आना चालू होता है। और यार मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि इस वर्ल्ड में क्या हो रहा है, मतलब स्किबिडी टॉयलेट को क्यों मार रहे हैं पूरे कैमरामैन। तो मैं जल्दी जाता हूँ उससे पूछने के लिए, तो वो जैसे मुझे देखता है वो मुझसे बोलता है, एक और छोटा सा स्किबिडी टॉयलेट, तुम लोग क्या कर पाओगे मेरा, मैं इस वर्ल्ड से तुम लोग का पूरा नाम और निशान मिटाना चाहता हूँ और मेरे साथ यहाँ पे और भी खतरनाक लोग हैं जैसे कि स्पीकर मैन। और यार स्पीकर मैन कौन था भाई, यहाँ पे पता नहीं कोई भी आ जा रहा है। तो मैं जल्दी से उसे एक हिट मारता हूँ और मेरे पीछे भाग रहा था बहुत तेज, तो मैं जल्दी से उसको बहुत ज्यादा पीछे छोड़ देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है। और यहाँ पे पूरे 1-2 दिन पास हो जाते हैं और मैं ऐसे पता नहीं यहाँ वहाँ घूम रहा था। और तभी मुझे यहाँ पे सामने में दिखते कुछ खाने की चीजें यानी कि शिप, तो मैं जल्दी से उनको मारना चालू करता हूँ। लेकिन मेरे सामने एक अजीब सा कोई जानवर होता है जो कि शिप को पूरा करप्ट कर रहा था। और मैं यहाँ पे देखता हूँ बहुत सारे गाय भी मुझे दिखते और बहुत सारे शिप, और अब ये पूरे हॉस्टाइल हो चुके थे यानी कि इनके सामने जो भी आ रहा था ये उसको मार रहे थे। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे पूरे पूरे जानवर को ये कर रहा था करप्ट, या लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ खाने के लिए मिल जा रहा था। तो मैं जल्दी से जाता हूँ और जो भी मुझे यहाँ पे खाने के लिए मिलता है मैं उसे अपने पास रखता हूँ और खाते जाता हूँ। और जैसे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ तो मुझे यहाँ पे दिखता है एक अजीब सा मंदिर टाइप जगह और उसके टॉप में मुझे दिखता है एक बेल। तो जैसे मैं जाता हूँ उसके पास यहाँ पे मुझे दिखता है उस टाइप का शिप और जैसे मैं उसको 1-2 हिट मारता हूँ वो मेरे ऊपर खोल जाता है और मुझे मारने के लिए आता है और बहुत गंदा डैमेज देता है, लेकिन मैं उसको निपटा देता हूँ। और अब मैं पहुंच जाता हूँ सीधा अंदर और यहाँ पे मुझे वही अजीब सारे जानवर दिखते हैं। लेकिन जैसे मैं जाता हूँ नीचे तो यहाँ पे मुझे दिखता है एक स्पॉनर और इसको तोड़ना मेरी बहुत बड़ी गलती थी। तो मुझे यहाँ पे सामने दिखता है एक चेस्ट, तो जैसे मैं चेस्ट में देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे दिखता है एक अजीब सा आइटम, तो मैं जैसे उसको अपने पास रखता हूँ और मुझे यहाँ पे कुछ अजीब सा दिखता है लिखा हुआ और मुझे ऐसा लग रहा था कि इसके अंदर कोई ना कोई ट्रैप है। तो मैं जैसे उसको प्रेस करता हूँ इसके अंदर से वही वाला राक्षस निकलता है जो कि बाकी लोगों को करप्ट कर रहा था। और जाते जाते वो मुझे बोलता है कि जल्दी से इस जगह से भाग जाओ और इतना सब बोल के वो वहां से चला जाता है। और मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में था कि वो क्यों ऐसा बोल के गया, तो मैं बहुत देर तक सोचता हूँ और उसके बाद फिर मैं जल्दी से जगह से बाहर निकलने का देखता हूँ। और तभी मुझे यहाँ पे एकदम टॉप में जाने का रास्ता मिलता है और मैं देखता हूँ यार ये तो कोई गोलम था। और तभी मुझे यहाँ पे दिखती कुछ सोल और जैसे मैं उसको रखता हूँ अपने पास वो वहाँ से उड़ जाती है और ये तो एकदम खतरनाक वाला गोलम था यार। और इसके टॉप में मुझे दिखता है एक बेल और पता नहीं यार वो बेल क्या काम का था, लेकिन मैं इससे बात करता हूँ और मैं इससे पूछता हूँ कि सब लोग यहाँ पे स्किबिडी टॉयलेट को क्यों मारना चाहते हैं। पिछले काफी सालों से यहाँ पे स्किबिडी टॉयलेट और कैमरामैन के बीच में युद्ध चल रहा है और पहले स्किबिडी वाले बहुत ताकतवर थे, लेकिन जब से यहाँ पे एक स्पीकर मैन आया है उसके बाद से दोनों ने मिलकर यहाँ पे बहुत सारे स्किबिडी टॉयलेट्स को मारा है। तो अब मुझे थोड़ी बहुत स्टोरी मालूम चल चुकी थी, लेकिन जैसे मैं देखता हूँ तो वहाँ पे बेल हिलना चालू हो जाता है और पता नहीं कुछ तो वाइब्रेशन निकलता है वहाँ से और इसका मतलब ये था कि यहाँ पे कुछ तो एकदम खतरनाक चीज होने वाली है। तो ये मुझे यहाँ पे देता है एक सॉर्ड, तो मैं जल्दी से रखता हूँ उसको और मुझे यहाँ पे कुछ और सोल मिल जाती है और ये मुझे बोलते हैं कि कोई तो एकदम खतरनाक वाला बॉस आने वाला है। और तभी मैं देखता हूँ तो यहाँ पे कुछ अजीब सारे डीमन आ जाते हैं और यार यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि ये लोग पूरा यहाँ पे बायोम चेंज कर रहे थे, तो मैं यहाँ पे 1-2 को निपटा दो जल्दी से। और ये लोग मुझे इस डायमेंशन के नहीं दिख रहे थे और ये लोग शायद मुझे ही मारने आए थे, तो यहाँ पे मेरी हेल्थ और थोड़ी कम हो जाती है। तो मैं जल्दी से कुछ खाता हूँ और जैसे मैं घुसता हूँ मंदिर के अंदर तो मुझे यहाँ पे दिखता है एक और उस टाइप का बंदा, तो मैं जल्दी से उसको मारता हूँ यहाँ पे भी। लेकिन तभी यहाँ पे पाताल लोक से निकलता है एक स्केलेटन किंग और भाई ये कुछ ज्यादा ही बड़ा था यार और इसके हाथ में भाई सॉर्ड देखो और एकदम रात को ही आता है सिर्फ, यार बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। तो मैं इसको देखता हूँ एकदम मंदिर के टॉप से और तभी मुझे यहाँ पे दिखता है एक स्पीकर मैन जिसके बारे में लोग बात कर रहे थे और भाई ये तो यहाँ पे पूरा मारना चालू कर देता है ज़ॉम्बीज को और ये तो और भी ज्यादा खतरनाक था शायद। तो मैं जल्दी जाता हूँ उसके पास और मैं उससे पूछता हूँ कि ये क्यों मारा है स्किबिडी को, तो ये मुझे कुछ भी नहीं बोल रहा था। तो उसके बाद मैं इसे ऐसे छोड़ देता हूँ और वहां से भागता हूँ जल्दी से और मैं पहुंचता हूँ यहाँ पे स्केलेटन किंग के पास। और पता नहीं क्यों जैसे मैं उसके पास पहुंचता हूँ यहाँ पे एक अजीब सा म्यूजिक बजना स्टार्ट होता है और मैं और भी
ज्यादा गुस्सा होना चालू होता हूँ, तो मैं जल्दी से आता हूँ उससे बात करने के लिए। तो जैसे मुझे देखता है मुझसे बोलता है, हाँ हाँ बस आखिरी के 2-3 स्क्यूबिडी टॉयलेट बचे इस दुनिया में, उसके बाद मैं बन जाऊंगा यहाँ का किंग। तो तब जाके मुझे यहाँ पे कुछ चीज क्लियर होती है कि यार जो स्क्यूबिडी टॉयलेट्स थे वो बहुत ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन अब पता नहीं वो पूरे गायब हो रहे हैं, लोग इनको मार रहे हैं। और तभी यहाँ पे मुझे सेव करने के लिए आ जाते हैं वारा गोलम, और लेकिन ये यहाँ पे और भी बहुत सारे मॉब्स को स्पॉन कर देता है। और लेकिन यहाँ पे गोलम आता है और भाई घंटी बजा बजा के उनको मारना चालू करता है। तो काफी टाइम तक इन लोगों की फाइट चलती रहती है। उसके नेक्स्ट डे होता है और वो स्केलेटन मार देता है अपनी शॉट से उस गोलम को, और मैं सब देख रहा था एकदम पेड़ के ऊपर छुप के। और क्योंकि अब यहाँ पे दिन हो चुका था तो वो जो स्केलेटन किंग था वो वहां से भाग जाता है, और मैं भी जल्दी से उस जगह से भागता हूँ। और यहाँ पे काफी ज्यादा दिन पास हो जाते हैं। उसके बाद मैं आखिरकार पहुंच जाता हूँ एक ऐसी जगह पे जहाँ पे मुझे दिख रहे थे कुछ बीज, लेकिन जैसे मैं वहां पहुंचता हूँ मुझे यहाँ पे दिखते वही वाले राक्षस जो कि पूरे यहाँ पे लोगों को इन्फेक्ट कर रहे थे। तो भाई मैं जल्दी से इनको मारना चालू करता हूँ और ये लोग मेरे ऊपर खोल जाते हैं और ये लोग मुझे मारने के लिए आते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे पीछे से आता है एक स्क्यूबिडी टॉयलेट जो कि मेरी हेल्प करता है। तो जल्दी से जो वहाँ पे एक और राक्षस होता है मैं उसको निपटाता हूँ, और मैं यहाँ स्क्यूबिडी टॉयलेट को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूँ, मुझे नहीं पता क्यों। तो ये मुझे बोलता है कि ये बहुत ज्यादा यहाँ पे दुखी हो चुका है क्योंकि इस वर्ल्ड में बहुत ही कम स्क्यूबिडी टॉयलेट बचे है। तो ये मुझे बोलता है कि जो इसके घर वाले है और उन लोगों को कैद करके रखा हुआ है एंशियंट सिटी में। तो मैं उसकी हेल्प करने के लिए मान लेता हूँ और फिर मैं उसके पीछे पीछे जाता हूँ, और तभी वो मुझे एक कहानी बताता है। और एक टाइम था जब एक बहुत बड़ा स्क्यूबिडी टॉयलेट होता था और उससे सब लोग एकदम डर जाते थे, लेकिन अब वो नहीं रहा। और ये सब बात करते करते हम लोग वहां पे पहुंच जाते हैं और वो मुझे एकदम पहाड़ के टॉप में लेके आता और वो मुझे बोलता है कि यहाँ से हमें नीचे कूदना है। तो भाई मैं से बोलता हूँ क्या फालतू बातें कर रहा है, लेकिन तभी वो मेरी आंखों के सामने कूद जाता है। तो यार मैं कुछ देर तक इंतजार करता हूँ और फिर उसके बाद मैं भी एकदम लॉन्ग जंप लेता और कूद जाता हूँ सीधा नीचे पानी में। और यार एकदम पानी के अंदर जाता हूँ तो मुझे एकदम टॉप में जाते हुए दिखता है, तो मैं भी उसके पीछे पीछे आता हूँ। और उसके बाद वो मुझे बताता है कि यहाँ से एकदम रास्ता मिलेगा मुझे उस जगह का, और ये मुझे बोलता है कि इसके आगे नहीं आ सकता, और उसके बदले में ये मुझे देता है एक हेलमेट। तो जल्दी से मैं उसको पहनता हूँ और इससे मैं बहुत ज्यादा टाइम तक पानी के अंदर सांस ले सकता था। तो मैं जल्दी से जाता हूँ पानी के अंदर और बहुत दिन मुझे लग जाते हैं वहां पे पहुंचने में। तो मैं पानी से भी बाहर आ जाता हूँ कुछ दिन के बाद, और मुझे यहाँ पे दिखता है एक छोटा सा वाटरफॉल। तो मैं वहां से होते हुए एकदम नीचे पहुंचता हूँ और मेरे आंखों के सामने थी एक एंशियंट सिटी। और यार यहाँ पे रहते बहुत सारे वार्डन्स और इसके बारे में उसने मुझे नहीं बताया था पहले, लेकिन जैसे मैं वहां पे देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे दिखते हैं कुछ स्पीकर मैन और कुछ कैमरा मैन और यहाँ पे पूरी इनकी फौज होती है। तो मैं जल्दी से जाता हूँ और जो वाटरफॉल होता है मैं उसके सहारे से आ जाता हूँ एकदम नीचे। और उसके बाद मैं यहाँ पे ढूंढता हूँ बहुत टाइम तक के कि मुझे कोई ना कोई मिल जाए। तो जल्दी से मैं यहाँ पे देखता हूँ एकदम टॉप में जाके, तो मुझे यहाँ पे दिखते हैं बहुत सारे स्पीकर मैन और कैमरा मैन, और शायद उसमें से एक कैमरा मैन मुझे देख लेता है, लेकिन मैं उससे बच जाता हूँ। और यहाँ पे मैं लोगों की बात सुनने का ट्राई करता हूँ लेकिन यार मुझे कुछ भी नहीं मिलता है। तो मैं जल्दी से जगह से भागता हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई भी टाइम में वार्डन आ सकता था। तो मुझे यहाँ पे दिखता है एक चेस्ट और उसके अंदर मुझे दिखती है बहुत सारी चेस्ट प्लेट। तो मैं जल्दी से उसको निकालता हूँ, लेकिन तभी मेरी आंखों के सामने टॉप में स्पॉन हो जाता है एक वार्डन। और यार वार्डन बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, और अगर उसने मुझे देख लिया होता तो भाई मैं वहीं पे मर गया होता। लेकिन मैं कुछ देर तक वेट करता हूँ और वो फिर वहां से बाहर चला जाता है। यार लेकिन बस मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है कि यहाँ पे वार्डन की होती है वो लोग ने इस जगह पे कब्जा कैसे कर लिए। और उसके बाद जब मैं आगे जाता हूँ तो मैं देखता हूँ एक बार पीछे मुड़ के और मेरे पीछे में होता है वार्डन। तो जल्दी से मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे मुझे कोई तक अजीब वाला स्ट्रक्चर दिख रहा था, तो शायद वहां पे मुझे मिल सकते थे स्क्यूबिडी टॉयलेट्स। तो मुझे यहाँ पे दिखता है केज और इसके अंदर थे बहुत सारे स्क्यूबिडी टॉयलेट्स। तो मैं जल्दी से आता हूँ टॉप में। उसके बाद मैं यहाँ पे देखता हूँ कि आगे मुझे एक चेस्ट दिख रहा था, तो मैं जल्दी से वहां पे बहुत सारा वो कर देता हूँ ब्रीजिंग। और जैसे मैं खोलता हूँ चेस्ट तो मुझे यहाँ पे मिलता है गोल्डन एप्पल, तो जल्दी से मैं रखता हूँ उसके अपने पास। और क्योंकि मेरे आसपास होता है यहाँ पे वार्डन तो जल्दी से मैं यहाँ पे खा लेता हूँ गोल्डन एप्पल। और जैसे मैं खाता हूँ यहाँ पे मेरा साइज 2 गुना हो जाता है और अब मैं यहाँ पे और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका था। तो जैसे मैं यहाँ पे पीछे मुड़ के देखता हूँ मुझे यहाँ पे दिखता है वार्डन जो कि यहाँ पे मार रहा था काफी सारे स्क्यूबिडी टॉयलेट्स को। तो जैसे मुझे देखता है वो एकदम खोलता है मेरे ऊपर, तो मैं थोड़ा सा पीछे आता हूँ और मैं कूदता हूँ सीधा और मैं उसे मारने के लिए जाता हूँ। और जैसे मैं उसे एक हिट मारता हूँ वो मेरे पीछे आता है भागते हुए, और वार्डन एकदम भागते हुए आता है मेरे पीछे खोलते हुए, और यहाँ पे एकदम होता है डेड एंड। तो मैं उसे बोलता हूँ रुकने के लिए और मैं उसे समझाता हूँ कि मैं उसे मारने नहीं आया हूँ या मैं उसे कुछ भी करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ कुछ ऐसे स्क्यूबिडी टॉयलेट्स को बचाने के लिए आया हूँ। और मैं उसे बताता हूँ कि इस जगह पे कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। और ये बात सुनते वो पूरा पागल हो जाता है और पता नहीं वो खोदते हुए एकदम जमीन के अंदर जाता है। और अरे वार्डन तो कुछ ज्यादा ही पागल था, तो एक काम करो तुम लोग कमेंट में जाओ और लिखो भाई RIP स्क्यूबिडी टॉयलेट्स। और जब मैं थोड़ा सा और आगे जाता हूँ तो एक जगह से बाहर निकलता है खोदते हुए, और बस यही था मेरे पास टाइम कि जब मैं इन लोगों को फ्री कर सकता था। तो मैं जल्दी से जाता हूँ और यहाँ पे पूरा इनका केज तोड़ देता हूँ। और पता नहीं यहाँ पे कुछ बच्चे यहाँ वहाँ भाग रहे थे, तो यार बच्चों का पता नहीं मैं क्या करूँ। तो भाई मैं जल्दी से उनको बोलता हूँ कि तुम लोग मेरे पीछे आओ। और तभी मैं देखता हूँ कि यहाँ पे एक छोटा सा स्क्यूबिडी कहीं तो भाग रहा था, तो मैं उसको वहीं पे छोड़ता हूँ और जल्दी से मैं उनको बोलता हूँ कि तुम लोग मेरे पीछे आओ। और तभी यहाँ पे एक एकदम खतरनाक वाला युद्ध चल रहा होता है जो कि होता है वार्डन और कैमरामैन और स्पीकर मैन के बीच में। और ये वार्डन इन लोग से बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, तो उनको बिना रुके मारना चालू करता है। और यहाँ पे पूरी इनकी फौज भी आ जाती है, लेकिन उसके बाद भी ये उनको बहुत गंदा मारता है। तो एक काम करो तुम लोग कॉमेंट में जाओ और लिखो वार्डन OP। लेकिन तभी यहाँ पे एक ग्रुप आ जाता है कैमरामैन का, और बिना रुके वो लोग उसको मारना चालू करते हैं। और फिर आखिरी में 1v1 में मर जाता है वार्डन। और उसके बाद जैसे मैं देखता हूँ तो मेरे आंखों के सामने वार्डन मरा हुआ था। और तभी यहाँ पे कुछ होते स्किबड़ी, और यार ये लोग इतना खोल क्यों जाते हैं और वो लोग
लोग जाके उधर कैमरामैन को मारना चालू करते हैं। यार ये लोग कुछ ज्यादा ही पागल थे, और एक एक करके कैमरामैन जो उनको मारता है, और मैं नहीं जाता हूँ इन लोग के बीच में क्योंकि यार मुझे फालतू में नहीं मरना था। और उसके बाद वो मुझे अपने पास बुलाता है, तो मैं जाता हूँ जल्दी से। और फिर उसके बाद हम लोगों की बात होती है और मैं इसे पूछता हूँ कि भाई तुमको ऐसी क्या प्रॉब्लम है स्किबडी टॉयलेट से। तो ये मुझे बोलते हैं कि जो इसके जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि इन लोग को कैसे भी करके स्किबडी टॉयलेट को खत्म करना है, और इन लोग का एक बहुत एकदम खतरनाक वाला बॉस है, और तभी अपना साइज एकदम दोगुना कर लेता है और बिल्कुल हम दोनों की हाइट सेम होती है। तो मैं जल्दी से वहां से भागता हूँ क्योंकि वो वहां पे और भी बहुत सारे कैमरामैन को लेके आता है। तो मैं जल्दी से उस जगह से बाहर निकलता हूँ और अगले कुछ दिन तक मैं यहाँ वहाँ भटकते रहता हूँ, और तब जाके मुझे मालूम चल जाता है कि इस वर्ल्ड का मैं आखिरी स्किबडी टॉयलेट बचा हूँ, और मुझे कैसे भी करके बहुत ज्यादा ताकतवर होना है और इस वर्ल्ड के पूरे कैमरामैन को खत्म करना है। तो ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते मुझे यहाँ पे एक विलेज भी दिख जाता है, तो मैं यहाँ पे इन लोग से कुछ बात करने का ट्राई करता हूँ, लेकिन ये लोग बहुत ही ज्यादा एकदम घबराए होते हैं। और तभी मैं देखता हूँ सामने में, तो मुझे दिखता है यहाँ पे कैमरामैन, और जैसे वो मुझे देखता है वो मेरे पीछे भागना चालू करता है। मैं भी उसे एक दो हिट मारता हूँ और इसका डैमेज बहुत ज्यादा गंदा होता है यार, और जबकि मैं इतना ताकतवर हूँ। और टाइम के साथ साथ जो कैमरामैन थे वो भी और ज्यादा ताकतवर होते थे, और इसका डैमेज बहुत ही बेकार होता है। और यहाँ पे मेरे पास कुछ खाने के लिए था, तो मुझे यहाँ पे कुछ वाटरमेलन दिखते हैं, तो मैं जल्दी से उनको तोड़ने का ट्राई करता हूँ, लेकिन यहाँ पे भी आ जाता है। तो मैं यहाँ पे कुछ वाटरमेलन तोड़ लेता और थोड़ा सा दूर जाके खाता हूँ, और उसके बाद वापस से मेरे ऊपर हमला करने आता है, तो मैं एक आधा हिट मारता हूँ या, लेकिन इसका डैमेज बहुत ज्यादा गंदा होता है और मेरी हेल्थ बहुत ही ज्यादा कम थी। तो मुझे यहाँ पे टॉप में दिखता है घर, तो मैं जैसे उस घर के अंदर जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे दिखता है एक चेस्ट, और उस चेस्ट के अंदर होते हैं बहुत सारे ब्रेड। तो जल्दी से मैं यहाँ पे खा लेता हूँ बहुत सारे ब्रेड, और उसके बाद मैं और थोड़ा ताकतवर हो चुका था, तो मैं जाता हूँ उसे मारने के लिए, और वो मुझे एक हिट मार के पहाड़ से नीचे फेंक देता है। तो मैं जल्दी से यहाँ पे कुछ ब्रेड खा लेता हूँ और थोड़ा सा और आगे भागता हूँ, और इसके बाद अब मैं उसके ऊपर पूरी ताकत से हमला करता हूँ और यहाँ पे वो मर जाता है। और बस ऐसे मुझे बहुत सारे स्किबडी टॉयलेट्स को मारना था, तो मैं जाके यहाँ पे एक विलेजर से बात करता हूँ, तो वो मुझे बताता है कि उस पहाड़ के टॉप में वहाँ पे था एक गोलम जो कि पहले इन लोगों की हेल्प करता था, लेकिन कुछ टाइम पहले इस कैमरामैन ने इस विलेज में कब्जा किया था और उस गोलम को मार के यहाँ पे फेंक दिया था। तो मैं जल्दी से आता हूँ पहाड़ के टॉप में, और यहाँ पे मुझे दिखता है वो एकदम घायल वाला गोलम। तो मैं जाके उससे बात करता हूँ और ये मुझे बोलता है कि और भी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे विलेज है जहाँ पे इन लोगों ने अपना कब्जा किया है। तो ये मुझे बोलता है कि जाके उन विलेजर्स को वहाँ पे मुझे सेव करना पड़ेगा, और इतना सब बोलने के बाद वो वहाँ पे मर जाता है। तो भाई अब मुझे यहाँ पे मिल चुका था एक और बहुत सही वाला काम, तो मैं जल्दी से बढ़ता हूँ आगे एक और विलेज की तरफ, और यहाँ पे मुझे दिखता है एक स्पीकर मैन। तो जैसे मुझे देखता है वो मुझे पहचान जाता है और हंसते हुए बोलता है कि लगता है कि तुम्हें मरने का बहुत ज्यादा शौक है, और ये बोलने के बाद ही वो मुझे एक फाइट मारता है। तो मैं पहले तो थोड़ा सा दूर आता हूँ, लेकिन मैं भी उसे एक दो फाइट मारने का ट्राई करता हूँ, और यार इसमें भी बहुत ज्यादा दम होता है। तो मैं जल्दी से यहाँ पे कुछ ब्रेड व्रेड खा लेता हूँ, और बीच बीच में मैं उसे एक आधा हिट मार रहा था लेकिन उससे कुछ नहीं हो रहा था। तो आखिरी में मैं उसे मारता हूँ एक लास्ट हिट और यहाँ पे ये मर जाता है। और अब बस मुझे कैसे भी करके ढूंढना था कि इन सबके पीछे इनका मेन बॉस कौन है। तो बस उसके लिए मुझे कोई ना कोई ऐसे बंदे चाहिए जो कि मुझे बता सकते थे कि वो कहाँ पे मिलेगा। तो मैं काफी दिनों तक यहाँ वहाँ घूमता हूँ, और मुझे यहाँ पे जंगल बायो में एक अजीब सा आदमी दिखता है जो कि पूरा एकदम कटा और फटा था। तो मैं जाता हूँ उसके पास और उसे मारता हूँ एक दो हिट, अरे यार लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता है। और जब मैं इसे पूछता हूँ कि ये कौन है और यहाँ पे क्या कर रहा है, तो ये मुझे बोलता है कि इस जंगल के अंदर मत जाना, और ये पहले एक नॉर्मल आदमी था या, लेकिन जब से जंगल के अंदर गया तब से यहाँ पे बहुत बेकार हुआ इसके साथ, और तब से इसको यहाँ पे लग चुका एक श्राप, और ये ऐसा बन के यहाँ पे घूम रहा है। तो मैं इसे जल्दी से मार देता हूँ एक हिट। तो मैं घुसता हूँ जंगल के अंदर और काफी टाइम तक यहाँ पे घूमते रहता हूँ मैं, और तभी वहाँ पे मुझे दिखता है घर, और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा बेकार थी, क्या पता शायद वही वाले बंदे का हो। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं मिलता है। तो मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ और यहाँ पे पता नहीं एकदम से मौसम खराब हो जाता है, और यार यहाँ पे मेरी हेल्थ भी कम थी और कुछ खाने के लिए नहीं था। तो मैं जल्दी से यहाँ पे बहुत सारे मेलन तोड़ना स्टार्ट करता हूँ, और तभी यहाँ पे मुझे दिखता है एक अजीब सा आदमी जो कि घोड़े के ऊपर बैठा था और उसका सर था पम्पकिन का। तो जैसे मुझे देखता है मेरे पास आता है और मुझसे बोलता है अब तुम फंस गए हो मेरे जंगल में, और एक बार जो इस जंगल में आता है वो वापस नहीं जा सकता जब तक कि मैं ना चाहूँ। तो इसकी बात सुन के मैं बहुत ज्यादा पागल हो जाता हूँ और एक हिट मारता हूँ, तो एकदम से कहीं पे टीपी हो जाता है, और यहाँ पे वो फेंकता है उसके बच्चे जो कि होते कुछ अलग टाइप के पम्पकिन जो कि उड़ सकते थे। तो मैं जल्दी से उनको मारता हूँ, और उसके बाद वो मुझे मिलता है एक पेड़ के ऊपर, और फिर वहां से भागना चालू करता है। और यार इसका घोड़ा बहुत ज्यादा स्पीड भागता था, तो मैं कुछ देर तक उसका पीछा करता हूँ, और उसके बाद जब वो मुझे वापस से मिलता है तो मैं उसे बिना रुके मारना चालू करता हूँ, और वो बीच बीच में अपने बच्चे भी फेंकते रहता है, और फिर एकदम से खोल जाता है, और फिर वो मुझे मारता है एक दो हिट, और पता नहीं फिर एकदम से पूरा काला काला कर देता सब कुछ, और यहाँ पे मुझे अच्छे से नहीं दिख रहा था कुछ भी। तो अभी मैं जाता हूँ और मारता हूँ उसको एक दो हिट, और फिर वो बीच बीच में से गायब होते रहता है, और बीच बीच में उसके बहुत सारे बच्चे भी आते हैं, और यार यहाँ पे चारों तरफ पूरा अंधेरा हो चुका था। तो मैं उसके बच्चे को भी निपटा देता हूँ, लेकिन यहाँ पे पता नहीं बीच में और भी बहुत सारे मुझे मॉब्स दिखते हैं, और यहाँ पे पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं फैंटम बहुत सारे। तो मैं जल्दी से उन लोग को भी निपटाना चालू करता हूँ, और तभी मेरे एकदम से सामने आ जाता है, और मैं इसे एक दो हिट मारता हूँ, और फिर मैं इसे नॉन स्टॉप मारना चालू करता हूँ, तो एकदम से खोल जाता है और अपने घोड़े से कूद जाता है, और वहाँ पे होती एक एकदम खतरनाक वाली लाइटनिंग। तो मैं वहाँ से दूर भागता हूँ, और कुछ तो यार ये मुझे धमकी भी दे रहा था, तो मैं जल्दी से कुछ खाता हूँ, और जैसे मैं जाता हूँ उसके घोड़े के पास तो वो मुझे वहाँ पे नहीं मिलता है। तो मैं जाके उसके घोड़े को मारना चालू करता हूँ बिना रुके, और यहाँ पे दो तीन हिट मारता हूँ, और बीच में भागने के भी ट्राई करता है लेकिन मैं उसे निपटा देता हूँ। और उसके बाद काफी टाइम तक मैं जंगल में ढूंढता हूँ, और क्योंकि यहाँ पे बहुत अंधेरा था तो मुझे बहुत देर के बाद वो वहाँ पे मिलता है, और इसके हाथ में कोई तो खतरनाक वाली स्टिक थी, और अभी पूरा खोला हुआ था, और बोल रहा था कि अब तो भाई ये मुझे छोड़ेगा नहीं। तो मैं इसे
मारना चालू करता हूँ और इसके हाथ में भी होता है एक एकदम खतरनाक वाला हथियार और ये भी आता है और भाई मुझे मारना चालू करता है बिना रुके और बीच बीच में अपने बच्चे भी स्पॉन करता है और फिर ये मुझे बोलता है कि ये कैमरामैन के लिए काम करता है। तो मैं यहाँ पे और भी ज्यादा पागल हो जाता हूँ तो मैं उसे बिना रुके मारना चालू करता हूँ और उसके बाद ये बीच में तो भाई पूरा हॉरर सीन कर देता है और मैं इसे मारता हूँ और फिर मैं देखता हूँ कि कुछ देर बाद जब मैं इसे बहुत देर तक के मार रहा था तो इसकी मुंडी गायब हो जाती है और यार ये तो कुछ अलग ही हो गया था यार और यार ये तो बन गया था बिन मुंडी का आदमी और यार इसको शायद अच्छे दिख भी रहा था तो यार अब तो मैं इसे बहुत आसानी से मार सकता था लेकिन मुंडी ना होने के बाद भी भाई इसके पास बहुत ज्यादा दम होता है और मैं बहुत भारी मारता हूँ और आखिरकार यहाँ पे मर जाता है और मरने के बाद यहाँ पे मुझे कुछ भी अच्छी चीज नहीं मिलती है और यार आखिरकार अब मैंने जंगल को पूरा फ्री कर दिया था और बस कुछ देर के बाद पूरा अंधेरा खत्म हो जाता है और यहाँ पे मैं देखता हूँ एक बर्ड जो कि जंगल में शायद बहुत टाइम से फंस गई होगी तो मैं भी जगह से जल्दी से बाहर निकलता हूँ क्योंकि जो मेरा मेन गोल था वो था कि कैमरामैन को मारना था जो मेन इनका बॉस था। तो बहुत दिन चलने के बाद यहाँ पे मुझे दिखते कुछ अजीब से डीमन लोग और यहाँ पे ये लोग पूरे जानवर को मार रहे थे तो मैं जल्दी से इन लोग को निपटाता हूँ और जो भी जानवर यहाँ पे पूरे पागल हो गए थे तो मैं इनको भी निपटाता हूँ और एक तो मेरे ऊपर हमला भी करा था और मुझे यहाँ पे दिखते बहुत सारे डॉग्स। तो एक काम करो तुम लोग कमेंट में जल्दी से इनका नाम बताओ कुछ और यहाँ पे बीच बीच में जो मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा कम हो रही थी और इन लोगों ने शायद कुछ ना कुछ श्राप भी मुझे दे दिए होंगे। तो यार मैं कुछ देर तक यहाँ पे इंतजार करता हूँ और जैसे मैं देखता हूँ तो यहाँ पे जो मेरे पूरे पूरे डॉग्स थे वो भी यहाँ पे पूरे खुकार हो जाते हैं और पूरे पागल हो जाते हैं और यार अब तो मैं इन लोग को अपने साथ नहीं रख सकता था तो इसलिए जल्दी से मैं जगह से बाहर निकलता हूँ। तो मैं अगले कुछ दिन तक के आगे बढ़ते रहता हूँ और यहाँ पे मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि वो मेन बॉस मुझे कहाँ पे मिलेगा। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक बोट और जल्दी से मैं पहुंचता हूँ एक आइलैंड में और यहाँ पे मुझे दिखता है एक अजीब सा क्रिएचर और इसके पता नहीं चार पांच हाथ थे और इसकी आंखें पूरी ग्लो करी थी और भाई इसके दांत तो और भी ज्यादा खतरनाक थे। तो मैं जैसे पहुंचता हूँ इसके पास ये मुझे बताता है कि ये मेन बॉस के लिए काम करता है और ये मुझे नहीं बताएगा और जबकि इसके पास मैप भी है। तो मैं इसे नॉन स्टॉप मारना चालू करता हूँ और कुछ टाइम तक के तो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता या लेकिन जब मैं इसे मारता हूँ नॉन स्टॉप तो ये पागल हो जाता है और एक गंदा सा हिट मारता है। तो मैं यहाँ पे एकदम दूर भाग के आता हूँ और कुछ खाता हूँ जल्दी से। तो मेरे पास खाने के लिए होता है बस मेलन तो जल्दी से उसको निपटाता हूँ और यहाँ पे मैं देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे दिखता है ज़ॉम्बी किंग तो जल्दी से उसको निपटाता हूँ और यहाँ पे लेके आता हूँ ज़ॉम्बी की फौज तो उनको भी मैं एक एक करके खत्म करता हूँ जल्दी से। और फिर उसके बाद यहाँ पे मौसम भी खराब हो जाता है और मैं जाता हूँ उसको मारने के लिए और फिर मैं उसको नॉन स्टॉप मारना चालू करता हूँ यहाँ वहाँ खुद खुद के और आखिरकार एक लास्ट हिट मार के मैं उसको खत्म कर देता हूँ और यहाँ पे ड्रॉप कर देता है मैप। तो मैं जल्दी से यहाँ पे मैप खोल के देखता हूँ और यहाँ पे मुझे देखते बहुत सारे पॉइंट्स जहाँ से होते हुए मैं जा सकता हूँ वहाँ पे मेन बॉस के पास लेकिन जब मैं आसमान में देखता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे फैंटम होते हैं जो कि मेरे पीछे होते हैं। तो मैं जल्दी से यहाँ से भागना चालू करता हूँ और काफी टाइम तक के भागते भागते और उस मैप को फॉलो करते करते मैं पहुंचता हूँ एक ऐसी जगह पे जहाँ पे मुझे दिखता है कैमरामैन का मेन बॉस। तो मैं जल्दी से जाता हूँ वहाँ पे और ये कोई उनका हेडक्वार्टर भी हो सकता था तो मैं आराम आराम से जाता हूँ और एकदम जंगलों के बीचों बीच था। तो मैं जैसे पहुंचता हूँ वहाँ पे और मैं घुसता हूँ अंदर तो मुझे यहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा था और लेकिन जैसे मैं आगे देखता हूँ यहाँ पे मुझे एक हड्डी मुड्डी दिखता है और उसके आजू बाजू गोल गोल बहुत सारे बोन्स एकदम घूम रही थी। यार ये पूरा का पूरा पागल दिख रहा था मेरे को और ये शायद इस जगह का कोई गार्ड होगा। तो मैं इसको यहाँ पे बोलता हूँ कि मैं तुम्हारे मेन बॉस से मिलने आया हूँ तो ये मुझे बोलता है कि जब तक कि मैं यहाँ पे हूँ तुम नहीं जा सकते और बीच में यहाँ पे अपने बच्चे भी स्पॉन कर देता है। तो मैं एक एक करके इनको मारना चालू करता हूँ और एक तो पता नहीं कहीं पे जाके फंस जाता है और वहीं पे मर जाता है और फिर मैं एक एक करके इसके बहुत सारे बच्चों को मारना चालू करता हूँ और मैं इसको भी मारता हूँ एक दो हिट और उसके बाद ये बहुत सारे अपने बच्चे स्पॉन कर देता है। तो मैं एक एक करके उनको मारता हूँ और फिर मैं वापस से मारता हूँ इसको तो ये यहाँ पे हो जाता है पूरा पागल और आखिरकार ये हार मान लेता है और ये मुझे बोलता है कि तुम जा सकते हो टॉप वाले फ्लोर में। तो मैं जैसे जाता हूँ टॉप वाले फ्लोर में यहाँ पे मुझे दिखते कुछ विलेजर्स और यहाँ पे होता है मेन स्पीकर मैन। तो वो जैसे ही मुझे देखता है वो मेरे पास आता है मारने के लिए तो मैं उससे बात करता हूँ और मैं उससे पूछता हूँ कि तुम लोग स्किबड़ी टॉयलेट को क्यों मारना चाहते हो। तो ये बोलता है कि भाई बस इनको शौक है बस मारने का और ये सुन के तो मैं और भी ज्यादा पागल हो जाता हूँ। तो मैं उनको बिना रुके मारना चालू करता हूँ और फिर मैं दो तीन ब्लॉक ऊपर जाके मैं उनको मारना चालू करता हूँ नॉन स्टॉप और ये मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि उन लोग की हाइट बहुत ज्यादा होती है। और जब मैं यहाँ पे मैप खोल के देखता हूँ तो मैप अभी और थोड़ा सा चेंज हो चुका था तो बस मैं मैप को देखते हुए बढ़ता हूँ आगे और यहाँ पे मुझे दिखते बहुत सारे चेक पॉइंट और वहाँ पे भी इनके काफी सारे लोग होंगे। तो मैं जल्दी से इस जगह से बाहर निकलता हूँ और मैं कूदता हूँ यहाँ पे सीधा नीचे और उसके बाद काफी दिनों तक ट्रेवल करने के बाद मैं आखिरकार पहुंच जाता हूँ एक अजीब सी जगह पे जो कि शायद था एक टावर और यहाँ पे कोई ना कोई बॉस भी हो सकता था। तो मैं यहाँ पे पहले आजू बाजू देखता हूँ तो यहाँ पे मुझे दिखता है एक सांड और साथ में उसका एक छोटा सा बच्चा भी दिखता है। तो मैं जल्दी से इस पहाड़ से एकदम नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पे मुझे दिखता है एक अजीब सा जानवर और यार ये कोई जानवर था कि कोई क्या था भाई मुझे कुछ भी नहीं पता। तो मैं जल्दी से जाता हूँ उसके पास और यार ये मुझे इस वर्ल्ड का तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था तो मैं इससे कुछ बात करने का ट्राई करता हूँ और लेकिन ये कुछ बोलता नहीं है। तो मैं इसको एक दो हिट मार के यहाँ पे निपटा देता हूँ और उसके बाद मैं घुसता हूँ टावर के अंदर और यहाँ पे मुझे दिखते कुछ स्टेयर्स तो मैं जल्दी से उनसे होते हुए जाता हूँ टॉप में और यहाँ पे मुझे दिखता है इसका भी बाप और यार ये तो कोई पाताल लोक के दिख रहे थे और बहुत ज्यादा गंदे से थे। तो मैं इनको मारना चालू करता हूँ और मरने से पहले ये मुझे बोलता है कि जो इनका मेन बॉस है वो है इसके एकदम टॉप में और यार मैं यहाँ पे इसको मारता हूँ एक दो हिट और आखिरी हिट मारने पे यहाँ पे मर जाता है। तो मैं जाता हूँ और टॉप में और यार ये तो बहुत ही ज्यादा लंबा टावर था तो जैसे मैं पहुंचता हूँ
और मेरे सामने में यहाँ पे मुझे दिखता है इन लोग का मेन बॉस। और यार ये कौन था भाई मुझे बिल्कुल नहीं पता, और लेकिन ये मुझे दिख रहा था एक किंग टाइप का। और मैं जैसे आसमान में देखता हूँ यहाँ पे मुझे कोई तो एक और अजीब सा वाला जानवर दिखता है जो कि पूरा काला सा था। तो मैं इनके किंग से बात करता हूँ और यहाँ पे मैं इसे पूछता हूँ कि जो मेन वाला कैमरामैन कहाँ पे होगा, और ये मुझे कुछ बोलता नहीं है। तो मैं इसको सिर्फ एक दो हिट मारता हूँ और यहाँ पे मर जाता है। यार ये तो बहुत ज्यादा कमजोर था। और यहाँ पे मुझे मिलती है 2-3 आइटम, और यहाँ पे होती है इसकी सोल, और यहाँ पे मुझे आखिरकार मिल जाती है वो वाली सॉर्ड जो उससे मैं कैमरामैन को मार सकता था। तो मैं टॉप से एकदम कूद जाता हूँ पानी में और यहाँ पे मरता हूँ मेन कैमरामैन के बॉस के पास। तो ये था मेरा Day 99 और मैं यहाँ पे पहुंच जाता हूँ मेन हेडक्वार्टर के पास, और वो कुछ ज्यादा ही खतरनाक होता है यार। और मतलब वो कुछ ज्यादा इतना बड़ा था कि यार मैं उसको एक बारी में देख भी नहीं पा रहा था। और यार इसके अंदर कितने सारे खतरनाक मॉब्स और यहाँ पे कैमरामैन हो सकते थे। तो मैं जल्दी से जाता हूँ वहाँ पे, लेकिन वहीं पे मुझे बीच में दिखता है एक पागल और ये बोलता है कि इसके अंदर मत जाओ और तुम वैसे भी आखिरी वाले स्किबड़ी हो। तो मैं इसे मारता हूँ नॉन स्टॉप और यहाँ पे इसके मरने के बाद मुझे मिल जाता है गोल्डन एप्पल। तो जल्दी से मैं बढ़ता हूँ और आगे। और जब जब मैं इसके पास पहुंच रहा था मैं खुद को बहुत ही ज्यादा कमजोर फील कर रहा था। तो मैं पहुंचता हूँ और मुझे यहाँ पे दिखते बहुत सारे स्टेयर्स, और जैसे मैं अंदर घुसता हूँ यहाँ पे मैं देखता हूँ पूरा अंदर अच्छे से, और मुझे यहाँ पे दिखता है एक ऐसा काला सा वाला एक स्केलेटन। तो मैं उसको पहले निपटाता हूँ और उसके बाद भी मैं यहाँ वहाँ देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे दिखते कुछ अजीब से वाले कुत्ते। तो मैं उनको बिना रुके मारना चालू करता हूँ यहाँ वहाँ, और वापस से मुझे यहाँ पे दिखते बहुत लंबी सी और बड़ी सी स्टेयर्स। और ये कोई नॉर्मल वाले कुत्ते नहीं होते, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो मैं जल्दी से यहाँ पे 4-5 को निपटाता हूँ और मैं पहुंचता हूँ जल्दी से टॉप वाले फ्लोर में। और जब मैं देखता हूँ तो ये तो टॉप फ्लोर था ही नहीं, तो मैं और यहाँ पे काफी टाइम तक स्टेयर्स में चढ़ते रहता हूँ। और आखिरकार मैं पहुंच जाता हूँ टॉप वाले फ्लोर में, और जैसे यहाँ पे देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे दिखता है चेस्ट, और चेस्ट के अंदर होते हैं बहुत सारे लूट। और जैसे मैं देखता हूँ टॉप में तो वहाँ पे बहुत ही एकदम सही कुछ बना होता है। और जब मैं और थोड़ा आगे बढ़ता हूँ तो यार ये जगह बहुत ही ज्यादा अच्छी थी दिखने में। तो यहाँ पे मुझे दिखता है कैमरामैन और ये था शायद इन लोगों का मेन बॉस। तो जैसे वो देखता है वो एकदम भागते हुआ आता है और वो मुझसे बोलता है कि अब बस तुम और मैं, हम दोनों ही आखिरी बचे। और उसके बाद वो बोलता है कि जो भी आज यहाँ पे बच गया वो होगा इस वर्ल्ड का बहुत एकदम खतरनाक वाला एंटिटी। और इतना सब बोल के एक हिट मारते और यहाँ से भाग जाता है और खुद जाता है एकदम बॉटम में। और ये देखो मैं तो नहीं खुद सकता था, तो मैं आता हूँ आराम से स्टेयर से। और जब मैं देखता हूँ सामने में और वो मुझे बोलता है कि अब तो तुम गए, तो मैं भी पहुंचता हूँ यहाँ पे एंट्रेंस में। और उसके बाद ही मुझे बोलता है कि अब तो तुम मेरे पैर के एकदम नीचे से कुछ ले जाओगे, और एकदम से उसकी हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और उसके बाद भाई मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा कमजोर फील कर रहा था, लेकिन फिर मुझे एकदम से याद आता है कि मेरे पास भी यहाँ पे गोल्डन एप्पल है। और जैसे मैं गोल्डन एप्पल खाता हूँ तो बस हम दोनों की हाइट एकदम सेम हो जाती है, और शायद हम दोनों के पास एकदम ताकत भी एकदम सेम हो चुकी थी। और अब यहाँ पे हम दोनों के बीच में एकदम खतरनाक वाला युद्ध स्टार्ट होने वाला था। तो उससे पहले मैं उसे बोलता हूँ कि इस वर्ल्ड में जीतने वाला है बस स्किबड़ी टॉयलेट। तो फिर मैं उसे नॉन स्टॉप मारना चालू करता हूँ, और फिर यहाँ पे होता है नेक्स्ट डे जो कि था हम लोग का Day 100। और उसके बाद मैं उसे मार मार के बाहर निकलता हूँ, और हम लोग की यहाँ पे बाहर में फाइट होती आइस में। तो मैं आइस में यहाँ पे बार बार यहाँ पे बहुत ज्यादा स्लिप होते जा रहा था, और उसके बाद भी मैं उसे नॉन स्टॉप मारना चालू करता हूँ, लेकिन बीच में खोल जाता है और एक दो हिट मारना चालू करता है, और मैं भी उसे यहाँ पे एक दो हिट मारता हूँ नॉन स्टॉप। और हम दोनों के बीच में बहुत देर तक यहाँ पे वॉर चलते रहती है, और हम लोग आ जाते हैं पहाड़ के टॉप में, और वहाँ पे बहुत देर तक हम लोग की फाइटिंग चलती रहती है। और उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी स्पीड का बहुत ज्यादा फायदा लेता हूँ और मैं उसे नॉन स्टॉप मारना चालू करता हूँ, और उसके बाद वो मेरे पीछे भागता है। ज़ॉम्बी एपोकलिप्स का Part 5 चाहिए तो जल्दी से लाइक करो। और बस मैं यहाँ पे इसको मारता हूँ एक लास्ट फाइट और यहाँ पे मर जाता है। और भाई आखिरकार मैं यहाँ पे जीत चुका था, और इस वर्ल्ड का मैं था आखिरी स्किबड़ी टॉयलेट, और अब ये वर्ल्ड होने वाला था मेरे कंट्रोल में। तो बस यार आखिरकार मैंने यहाँ पे 100 डेज भी सर्वाइव कर लिया था। तो अगर ये वीडियो तुमको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करो, और इस वीडियो का लाइक हमने रखा हुआ है 10K, और नीचे जो तुमको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है जल्दी से तुम उसे भी प्रेस कर दो। हम 5 लाख सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा क्लोज है। तो बस यार मैं तुमसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।